बंदोबस्त करवा के आई हूँ। हाँ जी, इतना लेट क्यों आए हो? क्योंकि हम काउंसलर के पास भी गए थे। अच्छा, क्या है? हाँ, तमीशा क्या लिया? ए बी सी नहीं, सब में ए लिया है। झूठ बोल रही है, सब में ए लिया, एक में बी लिया, एक में सी लिया, लेकिन अच्छी बात नहीं, सी में ही आना चाहिए। लेकिन वो पेपर भी तो नहीं ना हुआ था। हाँ, अगर वो पेपर हो जाता तो छोड़ो। हाँ, इस बार जितने उन लोगों ने एज देने थे और ए स्टार्स देने थे, 95,000 कम है पिछले साल से। क्योंकि तुम जैसे निकले बच्चे थे ना। सही कह रही हो कि नहीं? चलो कोई नहीं, बताओ। तानू का पर्स, रीजा का पर्स कितना प्यारा है ना। रीजा को भी पसंद आया था, उसने मुझे खड़ा करके पिक्चर्स ली थी। हाँ, ये बहुत प्यारा है। सादा ब्लैक सूट हो ना, ये ऐसा प्रिंटेड भी हो ना, थोड़ा प्यारा लगे। हाँ, रोमी कहाँ कहाँ घूम के आए? सच सच बताना। ओशन मॉल हम गए थे, उन लोगों ने ले लेके आए हैं। ओशन मॉल में से ये काउंसलर के पास गए थे। अच्छा, चलो सही है, देखो बाकी क्या रखो। तो आज है फ्राइडे और सुबह 7:30 का टाइम है और तानू जा रही है अपने स्कूल और आज ये मनाएंगे 14 अगस्त का प्रोग्राम, है ना तानू? हाय, कितनी प्यारी लग रही है, दुपट्टा सही से लेते, छोड़ो ऐसे। हाय, सोनी शहजादी लग रही है, सोनी शहजादी लग रही है। इधर देख मम्मा की तरफ। अच्छे से करो, एक ही पीरियड में उन्होंने प्रोग्राम करना है, बाद में फिर क्या होना है, पढ़ाई। टेस्ट याद है? चले नीचे, प्यारी लग रही है तानू तू, चले। तो अभी हो गई है दोपहर और तानू मैडम आ गई, आते ही लेट गई है, चिप्स खा रही है और आते ही सबसे पहले मुझे क्या करी, मम्मा मम्मा आज कोई काम नहीं हुआ है। मतलब उसको इतनी एक्साइटमेंट है कि मुझे होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन छुटवाई नहीं है, हमने याद करना है। जो जब पूरे वीक होता है ना, वो फिर काम फ्राइडे को सैटरडे को याद करना चाहिए। नहीं, संडे की छुट्टी भी करें। अच्छा चलो, नहीं ये तानू क्या कर रही हो आप? हाँ, तानू को पता नहीं क्या हो रहा। तो अभी रोल बनाया है, ठीक है, अब वो खाओ और फिर रेस्ट कर लो, ठीक है। और इनकी फुफ्फो भी आ रही है आज, बड़ी वाली फुफ्फो आ रही है इनकी, बाजू शाह। तो आज बिरयानी बनाएंगे, तो रेसिपी काफी लोग कह रहे हैं कि बिरयानी की रेसिपी, तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बिरयानी की रेसिपी पड़ी हुई है, आप जाएं और आप जाएं और मत देखना। आप जाएं और मत देखना, तो वहां से आपको मिल जाएगी बिरयानी। ठीक है, मम्मा मुझे छुट्टी नहीं दे रही, प्लीज कमेंट पे लिखो मुझे छुट्टी दे। अच्छा, छुट्टी मिल, पढ़ाई जरूरी होती है, पता है। तो प्रोग्राम क्या हुआ था? फर्स्ट पीरियड में प्रोग्राम हुआ। हां, टेस्ट हुआ, स्पेलिंग टेस्ट नहीं हुआ? आज नो, बोले मंडे को लूंगी। अच्छा, और मंडे को तो छुट्टी है। चलो, ओके, बस बाय। ये तानू यहाँ पे पाँव की नेल पॉलिश उतार रही है मेरी, और निशा यहाँ हाथों की उतार के अब नहीं लगा रही है। नहीं, है? नहीं, हाथ वाली, हाथ वाली उतार देती। नहीं, उतर तो गई है, ये देख उतार, आपने खराब कर दी है। अच्छा चलो, खैर सही कर। की याद आ रही है निशा, तुम्हें नहीं आ रही है? ना सावे कैंच कराते। तानू को तो आती है, तानू के साथ उसका बड़ा प्यार है, है ना? ना, ना। सभी 3:30 हो गए, तो मैं कह रही हूँ नीचे चलते हैं, जाके खाने वाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि उन्होंने 4-5 बजे तक उसके फुफ्फे लोगों ने आ जाना है। तो निशा आज करेगी मेरे साथ हेल्प, ठीक है? निशा करेगी हेल्प? नो। अच्छा, देख लेते करूंगी, जाहिर सी बात है, बट ना। हाँ, क्या? हाँ, फिर आ जाओ, ये देख। अच्छा, हाँ, नहीं उतरी ना, देखा नहीं उतरी, मैं समझ रही थी शायद उतर जाएगी। इसको भी लेके आ, इसको पढ़ाना भी है, ठीक है, साथ बिठा लेंगे और काम करेंगे। इसकी तो सुई अटकी हुई आज ना पढ़ने की, मेरा ख्याल है छोड़ देते, कल पढ़ा देंगे, ठीक है, कल सैटरडे है।
चलें फिर आ जाओ। निशा ने सोइयों में चीनी डाल के हिस्सा डाल दिया है, तभी चाय बना दी। मेहरबानी निशा, मैंने कितने काम कर लिए, अभी आए हो आप। कलर कैसा लग रहा है यहाँ? लाइट बहुत कम है ना? हाँ बहुत है। निशा ने बनाया गार्लिक पापा। निशा क्या क्या लगाया नीचे? मक्खन, लहसुन अदरक का वो पेस्ट सा है ना, और केचप, और ऊपर हरी मिर्च। अब इसको एयर फ्रायर में करेंगे। हाँ तो ये कम करना, नीचे से वो हो जाएगा। हाँ। बंद ही कर दे, मैं तो कह रही हूँ। चाय भी बन गई है। इसी ऑयल को ना ऊपर डाल, अगर मतलब इसको टर्न नहीं करना जल्दी। हाँ मुझे चम्मच तो दे कोई। तो निशा कह रही है कि इसको ना टर्न नहीं करना, जल्दी ऐसे ही चाहिए इसको। तो हम ये गरम गरम ऑयल इसके ऊपर डालेंगे। हाँ क्या क्या डाल रही है भाजी? सादा काम तो तुम लोगों को आता ही नहीं है ना। इस तरह अंडा ना तो जल्दी इसकी वैसी रहेगी, लेकिन पहले ही हल्का कर देती ना। ये देख, ये रस्क की जगह ना आपको ब्रेड पे करना चाहिए था। करना नहीं, बस ठीक है। अब ये नहीं कड़क हो गया, लेकिन ये अंडा बड़ा मजे का लगता है। चलो खाओ, सेवइयां भी रेडी हैं और इसको भी खाओ। बाकी मैंने बॉल में डाल दिए ठंडी होने के। निशा क्या देख रहे क्या वहाँ क्या क्या कर रही है? सानू मेकअप। सानू इतनी इंग्लिश कहाँ से सीखी है? क्या बोल क्या रही है? इट्स टू वाइट फॉर माय स्किन। अच्छा वाह, तो फिर भी लगाऊंगी। वो निशा तुझे बताएगी मेकअप जो ये उसका खराब कर रही है ना। अभी देख कपड़े पड़ेंगे तुझे बच्चू। आई एम अ गोस्ट। क्या करिए? आई एम अ गोस्ट। पागल लग रही है। तो चावलों की बिरयानी बना रहे हैं। 7 से 8 प्याज थे जिनको मैंने काटा है छोटा छोटा, और ब्राउन कर रहे हैं इनको। आलू बॉईल करके मैंने कलर लगा लिया है, ये बॉईल है ठीक, और कलर लगा लिया है। इस तरह ना कलर बहुत अच्छा आता है आलू में। 2 किलो चावल हैं, 2 किलो चिकन है, और 1 किलो आलू है। चिकन में जो है ना मैंने मसाला लगा के रखा हुआ है, 1 पैकेट मैंने लगाया है, 1 मैंने रख दी है भूनते हुए, ये मैं डालूँगी इसमें। सिर्फ जो है वो मसाला जो है 1 पैकेट लगा के इसमें रखा है ठीक है, और कुछ भी नहीं है। और इसमें नमक डाला था बॉयल करते हुए। बाकी हमारे प्याज जो है वो ब्राउन हो रहा है। प्याज ब्राउन होने पे 4 चम्मच जो है वो लहसुन अदरक और हरी मिर्च के हम डालेंगे। 1, 2, 3 और ये 4 चम्मच हमने डाल देंगे, और इसको अच्छे से जो है वो लहसुन अदरक को उसमें फ्राई कर लेंगे। तो निशा को मुझ पे रहम आ गया, बर्तन धोने लग गए। अभी हम लोग इसमें डाल देंगे 4 अदद टमाटर हैं दरमियाने साइज के, फिर ये इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब थोड़े नरम हो जाएंगे ना, फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। टमाटर जो है हल्के हल्के पक गए, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। जब ये पकाएंगे ना तो सब बन जाएगा। सूखे चावल ही खा लेना थोड़ा। हाँ भूख लग रही है तो सूखे चावल ही खा लो। ये हम इसमें डाल देंगे। चलो ये हो गया। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे, तो साथ में प्याज भी हो जाएंगे, फिर बाद में हम दही डालेंगे। और इसमें ना मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल रही हूँ। ये बिरयानी मसाला इसमें डाल देंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल देंगे, क्योंकि थोड़ी सी ना स्पाइसी ही बिरयानी अच्छी लगती है। और क्योंकि 2 किलो चावल है ना, और चावल अच्छे वाले हैं तो लंबे फूलते हैं, तो फिर उसके लिए
मिर्च थोड़ी अच्छी ही डालनी पड़ेगी, थोड़ी सी बस लाल मिर्च डालें, लाल मिर्च। इसको अब हम अच्छे से भून लेंगे। तो चिकन डाल के ना मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है, मतलब पूरा पूरा नहीं किया है। अभी हम दही डालेंगे, तो ये आधा किलो दही है। वैसे तो थोड़ी ज़्यादा डालनी चाहिए थी, लेकिन टमाटर भी डाले हैं तो चल जाएगा, बहुत अच्छी बनेगी। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों में अच्छी चीज़ बनाना कोई बड़ी बात नहीं, कम चीज़ों में अच्छी चीज़ बनाना बहुत बड़ी बात है। तो हमने इसके अंदर ही जो है ना, अगर ऐसे थैली में ही अच्छे से कर लो तो बड़ी अच्छी मिक्स होती है। तो अभी हम इसमें जो है ना दही डाल, कैसी स्मेल आ रही है निशा, बहुत मजे की ना। आलू सबसे एंड में डालेंगे क्योंकि बॉइल किए, और नमक डाल के क्यों ना बड़े मजे के लगते हैं बिरयानी में। कौन कौन करता है ऐसे आलुओं को बॉईल करके नमक डालता है, तो, कमेंट में बताना, कमेंट में। चलो जी, अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे फिर हम आलू, और साथ में जो है ना टाइम बचाने के लिए पानी जो है ना वो चावलों का रख देंगे, कि अभी थोड़ा टाइम है उनके आने में, है ना, ये पक जाए तो अलग अलग करके फिर कर लेंगे। चलो ठीक है, वैसे अगर टाइम बचाना हो ना तो इस बेच को इधर करो, साथ में चावल उनका पानी रख दो, और फिर दोनों एक साथ हो जाए, उसको मिक्स कर दो, टाइम सेव हो जाए। ओके बाय, बस। तो दही डाले हुए 3-4 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से जो है ना वो पक गए। अब हम इसमें ये हरी मिर्चें डाल देंगे, और थोड़ा नमक मैंने थोड़ा सा डाला था, और थोड़ा सा और डाल देंगे, और इसके साथ ही हम ये आलू ऐड कर देंगे। अब ये हमारा मसाला जो है ना बस 1-2 मिनट जो है ना वो पकाएंगे, और इसको बंद कर देंगे, साइड पे कर देंगे, और चावल बॉईल कर देंगे। निशा मसाला चेक करिए कैसा बना, निशा बम्बास ना, बम्बास क्या कहते हैं इस वर्ड को, मतलब अच्छा, ऑसम। तो ये मसाला बिल्कुल रेडी है बिरयानी का, चावलों के लिए पानी रख दिया, और पानी में अब हम डाल देंगे नमक। चावल मैंने थोड़े से ना वही निकाले हैं, मतलब ज़्यादा पूरे कुक नहीं किए हैं। तो पहले हम इसमें से मसाला डालेंगे, बाद में चावल डालेंगे। ऐसे ही जो है ना वो ये तह लगाते जाएंगे, हमारे गेस्ट आ गए तो मैं तह लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये दूसरी तह लगाई है मैंने, थोड़ा सा इसके भी डालेंगे फिर ऊपर भी डालेंगे, ठीक है, थोड़ा तेज कलर करके डालेंगे ना, थोड़ी ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब एक तह और आ जाएगी। जितनी छोटी छोटी तह, 3 तह मेरी बन गई है ना, अच्छा है फिर वो ज़्यादा अच्छे मिक्स हो जाते हैं। फिर ये वाला सारा हम डाल देंगे। निशा चेक कर रही है बिरयानी, हाँ जी मज़े की है, है ना। तो ये भी हमारी रेडी हो गई है, बस अब दम देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर इसको बंद कर देंगे। क्या ये, ये क्या है, ये पुदीना है, पुदीना और धनिये की चटनी, चटनी है, और इसमें दही डालेंगे, क्या बन जाएगा हमारा रायता, हमारा रायता, हमारा रायता बन जाएगा। ये दादी पोतरी की जो है ना वो जंग हो रही, एक रायता बना देंगे, सारी दादों का मम्मा। चलो उई, कितना जबरदस्त कलर आया निशा, ये देख, है ना, मजे का लगेगा। अब चेक आपने करना है, और मैं ही मिक्स करूंगी, छोड़ दो। ये किस साथ पा ही लेंदी है निशा किसे हर चीज से, है ना। नहीं उसका नहीं, तो रोमी से वेट नहीं हो रहा, रोमी ने मिठाई खोल दी है। रोमी पहले बिरयानी तो खा ले फिर ये खाना है, है रोमा। इधर आ, तुझे एक चीज दिखाऊंगी, देख, ओ माय गॉड, मैं तो जा रहा हूं, ये देख, ये देख, हां आके खाऊंगा। नहीं यार खा के जा, गरम गरम अच्छा लगता है, चल खोल ले, ला मैं खोल के, इतनी ये देख, खा दे।
तेरी पसंद है? नहीं, रोमी को काले वाले पसंद है ना? जी भाई नहीं, कोई काले वाले नहीं पसंद। फिर यानी हमारी रेडी है और अभी हम इसको करेंगे मिक्स। मिक्स करके मैं निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। कैसी बनी है? यम्मी ना? यस। तो भाई इनकी पुप्पो लोग जा चुके हैं, खाना वाना खा के फिर हम इनकी दूसरी पुप्पो के घर चले गए थे जो हमारे यहीं पे पास रहती है, तो चाय वाय वहाँ से पी थी और बहुत मज़ा आया। फिर वो लोग चले गए, हम लोग घर आ गए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बिरयानी की जो है ना वो मैंने रेसिपी दे दी है, सुबह मैं कह रही थी कि मेरे चैनल पे पड़ी हुई आप देख रहे, लेकिन मैंने अब बनाई थी तो मैंने कहा चलो रेसिपी भी डाल देते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।